सो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। मैं हूँ आपका दोस्त विनीत और आप देख रहे हो हमारा और आपका चैनल टेक्निकल भैया जी। तो गाइज, आज की इस वीडियो में RC21 के टॉप 10 चेंजेस के बारे में बताने वाले हैं जो कि RC21 के अपडेट में चेंज हो जाएगा। तो गाइज यार, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो लाइक कर दो, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो एंड भैया जी आर्मी को ज्वाइन कर लो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मेरे एक दोस्त हैं, भाई है यार, मतलब बहुत अच्छे इंसान है, उनका एक चैनल है गेमिंग इन्फॉर्मर। तो गाइज यार, बहुत अच्छी वीडियोस बनाना अभी से उन्होंने स्टार्ट किया है। तो गाइज उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो गाइज उनके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। एंड गाइज अभी स्टार्टिंग में है तो काफ़ी अच्छे थंबनेल भी बना रहे हैं, तो ये इन फ्यूचर आपको WCC एंड RC20 की अच्छी अच्छी न्यूज़ देते रहेंगे। तो गाइज यार, उनके चैनल को ज़रूर से चेकआउट कर लो। तो गाइज यार, यहाँ पे सबसे पहले हम चेंजेस की बात करते हैं, तो टॉप 5 चेंजेस की बात करते हैं जो कि 100% डेफिनेटली देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइज यार, यहाँ पे गेम ओपन करते समय सबसे पहले आपको देखने को मिलता है UI, जिसे कहते हैं मैन मेन्यू भी कह सकते हो, यूज़र इंटरफेस। जी हाँ गाइज यार, यूज़र इंटरफेस जो है RC20 का 21 का गाइज यार वो चेंज होगा, क्योंकि यूज़र इंटरफेस जो है, तो गाइज यार ये दो तरह से चेंज हो सकते हैं, या तो जैसे RC18 में था फिर सीधा RC19 में पूरी तरह चेंज हुआ, या फिर कलराइज चेंज हो सकता है। जी हाँ गाइज, इन दोनों में से एक होने वाला है, ठीक है ना गाइज। अब दूसरा, यहाँ पे अगर हम चेंज करने की बात करें तो वो है न्यू स्टूडियो। जी हाँ गाइज यार, मतलब स्टूडियो पूरी तरह से नहीं चेंज होगा, कुछ वैसा ही रहेगा, लेकिन उसका कलर जो है वो बदल जाएगा। अभी रेड है तो गाइज यार हो सकता है कोई थीम कलर आ जाए। तो गाइज, जैसा कि RC19 में ब्लू था अब रेड है, तो ऐसे ही RC21 में किसी और कलर का हो जाएगा या फिर पूरी तरह से चेंज हो सकता है। तो गाइज अब यहाँ पे जो चेंज होने वाला जो फीचर हुआ है हमारा गाइज यार, स्टंप का। जी हाँ गाइज, एंड ऐसा भी हो सकता है कि ऑल स्टेडियम के लिए डिफरेंट स्टंप देखने को मिल जाए, लेकिन स्टंप का कलर चेंज होने वाला है, ये मैं पूरी तरह से श्योर हूँ गाइज यार, डेफिनेटली कन्फर्म है। तो गाइज यार, यहाँ से ये फीचर भी कंफर्म है कि ये भी चेंज होने वाला है। अब उसके बाद गाइज यार, जो चेंज होने वाला है 100% वो है गाइज यार न्यू बाउंड्री रोप। जी हाँ गाइज यार, जिन स्टेडियम में डिजिटल एड बोर्ड नहीं लगे हुए हैं उनमें बाउंड्री का रोप भी चेंज होगा, ये भी कंफर्म हो चुका है गाइज। जी हाँ गाइज, ये हर बार होता है। एंड गाइज, यहाँ पे जो पांचवा कंफर्म चेंजेस है वो गाइज है मल्टीप्लेयर, क्योंकि ये जब ई-स्पोर्ट में ले जा रहे हैं गेम को, तो यार मल्टीप्लेयर में भी थोड़ा बहुत काम होगा, एंड वहाँ का भी यूजर इंटरफेस चेंज होगा, एंड कुछ न्यू फीचर्स ऐड होंगे। तो गाइज, यहाँ पे बात होगी उन फीचर की जो 100% कंफर्म है। तो गाइज, अब ऐसे फीचर्स की बात कर लेते हैं जो कि मतलब 100% नहीं 90% कंफर्म है। तो गाइज यार, यहाँ पे जो कंफर्म हो चुका है वो है न्यू ऑडियंस। जी हाँ गाइज यार, क्योंकि जब अनुज मांगकर जब तक थे उन्होंने मतलब काफ़ी सारे चेंजेस कराए, रियल क्रिकेट 18 के अंदर ही उन्होंने चेंज करा दिया था मतलब जो ऑडियंस है। अब गाइज रियल क्रिकेट 21 आने वाला है, जो कि वो जेट सेंथिसिस के साथ अब पार्टनरशिप कर चुके हैं, एंड काफ़ी अच्छे ऑडियंस अब बनाएंगे, मतलब न्यू टाइप ऑफ ऑडियंस देखने को मिलने वाला है एंड न्यू ग्राफिक्स के साथ। तो गाइज यार, और चीज़ें जो मतलब नेक्स्ट चीज़ आती है जो 90% कंफर्म है वो है गाइज यार डिफरेंट डायमेंशन। जी हाँ गाइज यार, मतलब RC20 के आप स्टेडियम्स देखोगे ना तो गाइज यार साइज़ तो रियल है गाइज, हर स्टेडियम का साइज़ अलग है, लेकिन बाउंड्री रोप जो है ना वो गाइज यार अलग अलग नहीं है, मतलब हर स्टेडियम की 78 मीटर्स की बाउंड्री है। जी हाँ गाइज, ये बात है। अब गाइज यहाँ पे ये फीचर भी मतलब कंफर्म हो चुका है कि डायनेमिक बाउंड्री मतलब डिजिटल, सॉरी गाइज, आई मीन्स जो है ना डिफरेंट डायमेंशन स्टेडियम आने वाले हैं। कोई स्टेडियम की 56 मीटर बाउंड, आई मीन्स 65 मीटर होगी, किसी की 70 होगी, किसी की 72, कुछ इस टाइप से आने वाला है। तो गाइज यार, अगले फीचर की बात करें तो वह न्यू फील्डिंग। जी हाँ गाइज यार, आप सचिन सागर की फील्डिंग देखोगे ना तो यार मैनुअल कैचिंग के साथ फील्डिंग काफ़ी ज़बरदस्त है, तगड़ी वाली है गाइज। जी हाँ गाइज यार, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे एनिमेशंस है इसके लिए, और जो कि सचिन सागर के साथ इन्होंने कॉम्पिटिशन मतलब आई मीन कॉम्पिटेंट किया है, साथ में इन्होंने मतलब बाई कर लिया है जैसा कि जेट सेंथिसिस ने, तो ये ज़रूर से फील्डिंग में वर्क करेंगे, एंड अनुज मांगकर भी इनके साथ है। तो गाइज यार, अब यहाँ पे अगले फीचर की बात करें तो गाइज यार न्यू LED स्क्रीन। जी हाँ गाइज, न्यू LED स्क्रीन की बात करोगे तो यार ये क्या है। तो गाइज यार, मैं न्यू LED स्क्रीन की बात करूँ तो यहाँ पे जो है ना मतलब जैसा कि अभी एक स्क्रीन में स्कोर दिखता है, तो गाइज यार अब दो स्क्रीन जैसे हर स्टेडियम में पुणे में चाह रहे हैं, तो उन सब में मतलब स्कोर लिखा रहेगा, कुछ अलग अलग टाइप का गेम प्ले चलता रहेगा। तो गाइज ये भी 90% श्योर हूँ, क्योंकि अभी तक ऐसा किसी गेम में फीचर नहीं आया था जो कि डिजिटल LED स्क्रीन में लिखा जाए स्कोर कार्ड, तो जो कि यहाँ पे हो चुका है।
तो गाइज यार एक और फीचर की बात कर लेते हैं, वो है गाइज यार माई कैरियर मोड, जो कि गाइज यार 80% ही कन्फर्म है, लेकिन उसके अलावा जो न्यू स्कोर कार्ड है वो 100% कन्फर्म है। तो मतलब ये दोनों फीचर गाइज यार आएंगे ही आएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड यहाँ पे क्योंकि अब इनके पास वर्कर भी ज़्यादा हो चुके हैं, तो कैरियर मोड बनाने में भी आसानी होगी। अब गाइज यहाँ पे एक आखिरी चेंजेस की बात कर लेते हैं, जो कि 90% कन्फर्म है, वो है गाइज यार पिच मूव। जी हाँ गाइज यार, पिच मूव मीन्स होता है पिच रोटेशन, जैसा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में होता है कि जैसा कि एक बार इस साइड से बैटिंग हुई तो इस एक बार उस साइड से बैटिंग होगी, जिससे हमें चारों तरफ के स्टेडियम का लुक बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। एंड गेम भी काफ़ी ज़्यादा तक मतलब हद तक रियलिस्टिक देखने को मिलता है, जो कि फीचर WCC3 में है पर RC20 में नहीं है, जो कि जल्द ही आने वाला है। जी हाँ गाइस यार, RC20 में ये ज़रूर से आएगा। तो गाइस यार यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन बताई थी, एंड ये टॉप चेंजेस हैं जो कि होने वाले हैं RC21 में। तो गाइस यार जरूर से बताना वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, एंड वीडियो बुरा लगा हो तो वीडियो को डिसलाइक भी कर दो, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो, एंड वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।